लद्दाख में हुए खूनी संघर्ष ने एक बार फिर चीन की ग्लोबल बॉस बनने की लालसा को उजागर किया है। चीन के इस करतूत के खिलाफ भारत ने मजबूत रणनीति से चीन को करारा जवाब दिया है। चीन अक्सर अपने कारनामों से न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों के लिए परेशानी पैदा करता रहा है। चीन अपनी सबसे शक्तिशाली होने की अवास्तविक इच्छा को पूरा करने के लिए राष्ट्रों के साथ अनावश्यक तनाव पैदा करता है। यह इच्छा अवास्तविक है क्योंकि चीन न तो आंतरिक रूप से स्थिर है और न ही मौजूदा वैश्विक ऊष्मा को लेने में सक्षम है। क्या चीन भारत के साथ चौतरफा युद्ध कर सकता है? इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ नहीं होगा। चीन सैन्य ताकत रैंकिंग के चार्ट में नीचे खिसक रहा है। यहाँ 50 मापदंडों पर आधारित ग्लोबल फायरवायर रैंकिंग द्वारा सैन्य ताकत का मूल्यांकन किया गया है। यदि युद्ध होता है तो यह दो राष्ट्रों के बीच नहीं होगा। यह युद्ध दुनिया के दो पावर हाउस अर्थात भारत और सहयोगी बनाम चीन और सहयोगी देशों के बीच में होगा। सहयोगी देशों की बात करें तो चीन अलग थलग दिख रहा है क्योंकि उसके पक्ष में केवल पाकिस्तान और नेपाल है। दूसरी ओर भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस, जापान और कई और अधिक का समर्थन है। चीन और सहयोगियों के पास 4,082 इकाइयों की क्षमता है जबकि भारत और सहयोगियों के पास 21,368 इकाइयां हैं। चीन और सहयोगी देशों में 5,700 टैंक इकाइयां हैं जबकि भारत और सहयोगियों के पास 26,819 टैंक हैं। चीन और मित्र राष्ट्रों के पास 4,526 इकाइयों की तोपें हैं जबकि भारत और सहयोगियों के पास 11,577 इकाइयों की तोपें हैं। चीन और सहयोगी देशों की नौसेना की ताकत 877 है जबकि भारत और सहयोगियों की संख्या 1,623 है। चीन की सैन्य ताकत के अलावा चीन के लिए युद्ध की स्थिति को असंभव बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक सैन्य तैनाती है। जैसा कि हम बोलते हैं, चीन कई मोर्चों पर आग से लड़ रहा है। इसके जमीनी बल, इसकी नौसेना, इसके युद्धक विमान सभी पहले से अलग अलग मोर्चों पर व्यस्त हैं। एक तरफ चीनी लड़ाकू जेट ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने में व्यस्त हैं, एकीकरण के छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरी ओर चीन के पास दक्षिण चीन सागर में अपने जहाज भी हैं जो पानी और उसके द्वीपों पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अकेले दक्षिण चीन सागर में बीजिंग वर्तमान में 6 देशों ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ जुड़ा हुआ है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी कृत्रिम द्वीप बना रही है और यहाँ अभ्यास कर रही है। यही नहीं, चीन के रिश्ते अभी जापान के साथ भी बिगड़े हुए हैं क्योंकि बीजिंग के जहाजों ने हाल ही में जापानी जल क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके बाद हांगकांग है और उसका लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चल रहा है। भारत के साथ युद्ध करने का मतलब अभी हांगकांग में उसकी निगरानी से समझौता करना होगा। चीन अभी भी तिब्बत पर अपने दावों को वैध बनाने के लिए लड़ रहा है। वही बाहरी मंगोलिया के पुनः एकीकरण की भी वकालत कर रहा है। चीन बीजिंग में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ रहा है। चीनी सरकार अभी युद्ध की फंडिंग करने की स्थिति में नहीं है। उनकी GDP साल दर साल 6.9% कम हो रही है। यह केवल GDP नहीं है जिसने गिरावट देखी है, अन्य देशों के साथ चीन के संबंधों में भी गिरावट देखी जा रही है क्योंकि उद्योग चीन से बाहर जा रहे हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फिसल गई है और मांग भी कमजोर हुई है। चीन के आयात में 8.5% की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस ने चीनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और इसके परिणाम स्वरूप लोग नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत से लड़ने का मतलब होगा भारतीय बाजारों में हार और अकेले निर्यात से $74.72 बिलियन से अधिक का नुकसान। भारत ने पहले ही चीन के 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीन को झटका दिया है जिसमें लाखों डॉलर के डिजिटल राजस्व का हिसाब है। चीन सभी मोर्चों पर हाशिए पर खड़ा है और ऐसे परिदृश्य में वो भारत के साथ युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता
क्योंकि चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।